दोस्तों मुझे बर बर के मैसेज आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब पे कि सैमसंग मोबाइल में ऐप लॉक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और मैं बस यही रिप्लाई करते रहता हूँ कि ऐप लॉक जो है वो सैमसंग में आपको देखने को नहीं मिलता है। वियर्ड रीजन है मगर सच्चाई यही है कि नहीं मिलता है। मगर एक सच्चाई और है कि मैं मैजिकल टेक गुरु हूँ और मेरा ये फर्ज बनता है आपको बताना कि सैमसंग मोबाइल में ऐप लॉक करने का कोई जुगाड़ है या नहीं है। तो काफी रिसर्च के बाद मैंने एक जुगाड़ पाया जिसको अभी आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि मैंने 5 ऐप को लॉक किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे में एक सिंबल है चाबी का और ये ऑरेंज कलर का आइकॉन बताता है कि ये 5 ऐप जो है वो लॉक्ड है। एग्जाम्पल के लिए व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि ये बोलता है स्कैन योर फिंगरप्रिंट या यूज पैटर्न, तो दोनों में से आप कोई भी दे सकते हैं। चलिए पैटर्न ही मैं दे देता हूँ और देखते हैं कि व्हाट्सएप जो है वो खुल जाता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि क्या ये वाकई काम कर रहा है, तो फटाक से हम लोग फिर से ओपन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे वाकई ये काम करता है। व्हाट्सएप पे तो ये काम कर रहा है, बिल्कुल क्लियर है, लाइव मैंने आपको दिखाया। क्या फेसबुक पे काम करता है? तो जी हाँ, बिल्कुल फेसबुक पे काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ से आपको पैटर्न देना और फेसबुक खुल जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो एप्स हैं जो लॉक्ड हैं इनका दहशत इतना है कि रिसेंट्स में आप जाएंगे तो आप देखेंगे क्रोम तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है प्रीव्यू में, मगर जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे फेसबुक बिल्कुल क्लियर है, यानी कि बिल्कुल भी इसमें कोई भी डेटा फेसबुक में आप ताक झांक करके नहीं देख सकते हैं। इसका प्रीव्यू बिल्कुल ब्लैंक कर दिया गया है ताकि इसका जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा हो वो कोई भी ताक झांक करके आपके रिसेंट्स के प्रीव्यू में ना देख सके। ठीक इसी तरह से व्हाट्सएप में भी आप देख सकते हैं ये लॉक्ड ऐप है, यहाँ भी बिल्कुल क्लियर है, मगर प्ले स्टोर जो है वो ओपन है और इसमें आप देख सकते हैं सारा का सारा डेटा क्लियर है। और जब मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखा दिया है कि इन सारे ऐप्स को मैंने लॉक किया है और बिना पासवर्ड के बिना पैटर्न के ये खुल ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐप मैंने ना कभी इंस्टॉल किया है, ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इंस्टॉल करके अपने ऐप्स को लॉक करें, क्योंकि वो आपके ऐप से क्या डेटा चुरा लेगा वो आपको भी नहीं पता चलेगा। ना ही मैंने किसी एक्टिविटी लॉन्चर ब्ला किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को यूज किया है। ये बिल्कुल आपके सैमसंग मोबाइल में ही है, इसलिए वीडियो को बस आपको अंत तक देखना है और आपको पता चल जाएगा कि कैसे सैमसंग के मोबाइल में आप अपने ऐप्स को लॉक कर सकते हैं इस तरह से। और साथ में दोस्तों दो नए ट्रिक मुझे पता चले आपके सैमसंग मोबाइल में, तो मैंने सोचा इसको इसी वीडियो में इंटीग्रेट कर दूं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा क्योंकि इस ट्रिक के बाद मैं आपको वो दो ट्रिक भी बताऊंगा जिसको आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि बस मजा ही आ गया। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो आपको अपने सैमसंग मोबाइल में ऐप्स को लॉक करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा। इसमें थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है सिक्योरिटी प्राइवेसी का, इसके अंदर जाएंगे और इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको सिक्योर फोल्डर देखने को मिलता है और ये बोलता है या तो पैटर्न दीजिए या तो फिंगरप्रिंट दीजिए। चलिए पैटर्न ही दे देते हैं फटाफट से और आप इसके अंदर चले जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि अगर आप सैमसंग मोबाइल में पहली बार सिक्योर फोल्डर को यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ सेटिंग्स पहले करना है, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते जाइए और यहाँ पर आप आ जाइए। इसके बाद ऑटो लॉक सिक्योर फोल्डर में जाना है और यहाँ पर आपको ईच टाइम आई लीव एन ऐप का ऑप्शन को चुन लेना है ताकि जब भी आप ऐप को क्लोज करें और फिर से ओपन करें तो वो आपसे पासवर्ड मांगे पैटर्न मांगे। इसके बाद इसके नीचे नोटिफिकेशंस एंड डेटा में जाना है और यहाँ पर शो कंटेंट है जिसको आपको इनेबल कर देना है, शो कॉन्टैक्ट इन्फो है इसको भी इनेबल कर देना है, अलाउ क्लिपबोर्ड को भी इनेबल कर देना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए उसके कंटेंट को ये जरूर से शो करे जो भी ऐप्स आपके सिक्योर फोल्डर में है। ठीक उसी तरह से सिक्योर फोल्डर में जो भी ऐप्स है उसको कॉन्टैक्ट इन्फो होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उस एक्सेस को यूज करके वो अदर कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करे। जैसे व्हाट्सएप में अगर आप ये कॉन्टैक्ट इन्फो को शो नहीं कराएंगे तो वो कैसे अदर कॉन्टैक्ट को आपको मैसेज भेजेगा। इसके बाद क्लिपबोर्ड में आप जो भी सेव करते हैं अगर आप चाहते हैं कि सिक्योर फोल्डर के ऐप को उसको एक्सेस मिले तो अलाउ क्लिपबोर्ड आपको करना ही करना है। अब इसी में बैक जाएंगे तो आप देखेंगे एड सिक्योर फोल्डर टू ऐप स्क्रीन, इसको जरूर से आप इनेबल कर दीजिए ताकि आप ऐप स्क्रीन में जाएं तो आप देख सकते हैं कि सिक्योर फोल्डर आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। अब आपको जरूर आश्चर्य हो रहा होगा कि आपका सिक्योर फोल्डर इतना बढ़िया ताले चाबी के साथ नहीं आता है। सिक्योर फोल्डर को भी ओपन करने के आपको पैटर्न चाहिए या फिंगरप्रिंट चाहिए, दोनों में से कोई भी दे देंगे। 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, कस्टमाइज में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी कलर आप चुनना चाहें यहाँ पर बहुत आसानी से चुन सकते हैं। अगर ब्लू करना चाहते हैं, ऑरेंज करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं और ये जो चाबी है इसको ताला बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ताला चाबी सब मिल जाता है। अगर आप और क्लियर रखना चाहते हैं, बिल्कुल एस रखना चाहते हैं ताकि पता चले कि सिक्योर फोल्डर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस हो जाता है, बस आपको अप्लाई कर देना और देखिए ये सिक्योर फोल्डर। बैक जैसे ही आप ऐप स्क्रीन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एस पता चल जाएगा तो आप जान जाएंगे कि सिक्योर फोल्डर है, इसके अंदर आपको जाना है। और इसी 3 डॉट्स के मेनू से अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे सिक्योर फोल्डर के अभी सेटिंग्स में हम लोग गए थे सेटिंग्स के थ्रू, तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। और आप इतने सारे ऐप्स इसमें देख रहे हैं क्योंकि मैंने इनको ऐड किया है। ऐड कैसे करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लस साइन मिलता है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर जितने भी ऐप्स हैं यहाँ पर आप इनको चुन चुन के ऐड कर सकते हैं। और अगर ऐप्स नहीं है तो आपको यहाँ डाउनलोड फ्रॉम गैलेक्सी स्टोर है इसमें जाना है और किसी भी ऐप को डाउनलोड कर लेना है जिसको आप चाहते हैं ऐप लॉक करना। एग्जाम्पल के लिए किसी भी ऐप को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये इंस्टाग्राम है तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम को इंस्टॉल
इंस्टॉल कर लेना होगा। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इंस्टाग्राम जो है इंस्टॉल हो चुका है, तो इंस्टॉल हो गया है। तो बैक जाएंगे, यहाँ पर आपको सारा का सारा एप्स देखने को मिल जाता है, जो अभी आपने इंस्टॉल किया था इंस्टाग्राम वो यहाँ पर है, इसको बस आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर ऐड बटन है, बस ऐड बटन पर टच कर देना और आप देख सकते हैं सिक्योर फोल्डर में इंस्टाग्राम जो है वो आकर बैठ जाता है। मगर सिक्योर फोल्डर में इंस्टाग्राम ऐप आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐप लॉक हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप लॉक में कहीं भी आपको इंस्टाग्राम देखने को नहीं मिलता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो जल्दी से आप सिक्योर फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर जो इंस्टाग्राम ऐप का लोगो दिख रहे हैं इस पर लॉन्ग टैप करके रखेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे ऐड टू होम है, बस यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट कर देना है, ऐड कर देना है। और ये बोलता है कि इंस्टाग्राम जो होम स्क्रीन पे आ गया है, तो कहाँ गया, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर आ गया है। अब इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये बोलेगा कि या तो फिंगरप्रिंट दो या तो पैटर्न दो। चलिए फटाफट से पैटर्न दे देते हैं, देखते हैं काम करता है या नहीं करता। और ये बिल्कुल काम कर रहा है। और यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियरली गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर ऑरेंज कलर का वही आइकॉन आ जाता है जो सिक्योर फोल्डर में आपने कस्टमाइज किया था और एस बना हुआ है। और अब यहाँ पर आप देखते हैं कि होम स्क्रीन पे बहुत सारा आइकॉन हो जाता है जिसको आपने लॉक किया है। इन सारे एप्स को अगर आप एक जगह करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो किसी भी ऐप पे आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे, सेलेक्ट करेंगे और मल्टीपल सेलेक्ट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसको अगर आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो ये सारा पीछे पीछे लग जाता है। इसको आप यहाँ पर ले आइए नेक्स्ट स्क्रीन में और यहाँ पर छोड़ दीजिए, तो ये सारा का सारा ऐप जो है आपको एक स्क्रीन पे आ जाता है जो लास्ट स्क्रीन पे है और पहले स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई देखना भी चाहेगा तो इसको देख नहीं पाएगा क्योंकि लास्ट पे है। मगर फिर भी आप इसको और सिक्योर करना चाहते हैं तो अगेन आप इसको लॉन्ग टैप करके रखिए, सिलेक्ट कर लीजिए और इस तरह से सारे ऐप्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए जिसको आपने लॉक किया हुआ है, क्रिएट फोल्डर कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फोल्डर में ऑटोमेटिकली सारा का सारा चला जाता है। यहाँ पर आपको नाम देना है तो नाम आप कुछ भी दीजिए, 007 दे दीजिए बॉन्ड का। और फोल्डर का कलर आप जानते हैं, आप अपने सैमसंग में कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी कलर देना चाहे दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको ग्रीन दे देता हूँ ताकि ये ग्रीन सिग्नल बना रहे, डन कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन फोल्डर में सारा का सारा ऐप जो है वो चला जाता है जिसको आपने लॉक किया हुआ है। और अब आपको अगर उसको ओपन करना है तो बस यहाँ से टैप कीजिए, किसी भी ऐप को ओपन कीजिए, आप अपना पासवर्ड दे दीजिए, फिंगरप्रिंट दे दीजिए और जैसे ही आप दे देंगे आप देखेंगे आप ऐप के अंदर चले जाते हैं। तो ये तो सिक्योर फोल्डर के ऐप हुए दोस्तों। अगर आप ऐप ड्रॉअर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्मल व्हाट्सएप भी है, तो आप चाहें तो इसको डुअल ऐप के रूप में बना सकते हैं, यानी उस व्हाट्सएप में दूसरे अकाउंट से लॉग इन, इस व्हाट्सएप पे दूसरे अकाउंट से लॉग इन। और आपको लगता है कि इस व्हाट्सएप को जरूरत ही नहीं, आपको लॉक करके रखना है ताकि कोई भी आपके मोबाइल में इसको देख ना सके, तो बस आप इसको लॉन्ग टैप करके यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से जो भी एप्स को आपने लॉक किया हुआ है उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम को भी आप लॉन्ग टैप करके यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि सैमसंग मोबाइल में अब आप किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी को इंस्टॉल किए हुए, एक्टिविटी लॉन्चर ब्ला ब्ला को इंस्टॉल किए। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा और आपके सैमसंग मोबाइल में ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं उस बोनस ट्रिक की तरफ जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो कि आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। सेटिंग्स में जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है तो आप देखेंगे आपको एप्स का ऑप्शन मिलता है, इसमें जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सैमसंग ऐप सेटिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें सैमसंग का ऐप जितना भी आपके सैमसंग मोबाइल में इंस्टॉल है यहाँ पर दिख जाता है। और इसमें किसी भी ऐप में आप जाएंगे तो उसके सेटिंग्स को आप डायरेक्टली खोल सकते हैं। आपको कैमरा का एग्जाम्पल के लिए कैमरा में नहीं जाना है, थ्री डॉट्स के मेनू में नहीं जाना है, सेटिंग्स को नहीं खोजना है, डायरेक्टली यहाँ पे आप कैमरा का सेटिंग देख सकते हैं और जो भी चेंज करना चाहें, कस्टमाइज करना चाहें कर सकते हैं। इसी में बैक जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारा ऐप तो आपने देखा भी नहीं होगा अपने सैमसंग मोबाइल में, जैसे एयर जोन है, बिक्सबी वॉइस है, बिक्सबी विजन है। मगर हाँ, इसका अगर आप सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि इस ऐप का सेटिंग्स कहाँ पर है आपके मोबाइल के अंदर। और अभी तक आपको इस वीडियो में मजा आ रहा है दोस्तों, तो चलिए एक और ट्रिक को देखते हैं जो कि बहुत ही कमाल का ट्रिक है। मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। इसके लिए आपको अपने गैलरी ऐप में जाना होगा, किसी भी फोटो को ओपन करना होगा और यहाँ पर आंख देख सकते हैं, बस इस आंख पे आपको टच करना होगा तो ये एनालाइज करना शुरू करेगा। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि थ्री डॉट्स के मेनू में आप जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर जो एक्सेसिबिलिटी मोड है बस इसको आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। और जैसे ही इनेबल करेंगे तो ये सीन डिस्क्राइबर इसको आप इनेबल कर दीजिए, टेक्स्ट रीडर इसको आप इनेबल कर दीजिए और जादू अब होगा। अब जैसे ही आप बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको दो दो ऑप्शन मिल जाता है, सीन डिस्क्राइबर का, टेक्स्ट रीडर का। तो बस आपको सीन डिस्क्राइबर पर टच करना है और जो भी आप सीन देख रहे हैं अपने मोबाइल में, तो बिक्सबी जो है वो आपको बताएगा कि क्या है वो सीन और उसको डिस्क्राइब करेगा। एग्जांपल के लिए सीन डिस्क्राइबर पर टच करते हैं, एनालाइजिंग सीन, अ मैन स्माइलिंग फॉर द कैमरा। और आप देख सकते हैं ये बोलता है एनालाइजिंग स्क्रीन, तो पहले एनालाइज करता है और बताता है मैन स्माइलिंग फॉर द कैमरा। बात तो बिल्कुल सही है, कैमरा के लिए स्माइल हो रहा है ये। वैसे ये और बात है कि मेरे फेस में वैसे ही स्माइल हमेशा बना रहता है। टेक्स्ट रीडर कैसे काम करता है, तो बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट काफी लिखा हुआ है, तो इसको यूज करके देखते हैं काम करता है नहीं करता है। तो ये आंख वाले सिंबल पे जाना है और यहाँ पर जो, तो देखिए एनालाइज करके बता देता है कि ये टेक्स्ट है, लेकिन टेक्स्ट को रीड करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ टेक्स्ट रीडर पे बस आपको टच कर देना है। कलर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय आर द मोस्ट ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ लाइफ, होप दे स्टे फॉरएवर इन योर लाइफ।
विश यू अ हैप्पी होली। और जैसा कि आपने देखा ये बिल्कुल क्लियरली और बहुत अच्छे से पढ़ता है कलर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी होली। तो इस तरह से आप किसी भी फोटो को डिस्क्राइबर के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपका बिक्सबी आपको बताएगा कि आपका फोटो जो दिख रहा है उसमें क्या है और क्या नहीं है, और साथ में टेक्स्ट रीडर से आप टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि मैंने आपको आज जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताए ऐप लॉक के बारे में या फिर किसी भी सैमसंग एप्स के सेटिंग्स को देखने के बारे में या फिर सीन डिस्क्राइबर के बारे में या टेक्स्ट रीडर के बारे में वो आपको बिल्कुल भी नहीं पता था और आपको ये देखकर बिल्कुल मजा आ चुका होगा। वाकई अगर आपको मजा आया तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने तमाम सैमसंग दोस्तों के पास जिनको बिल्कुल भी भनक नहीं कि ऐसा भयानक फीचर आपके सैमसंग मोबाइल में ही है और आपको बिल्कुल पता भी नहीं है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बताने की जरूरत नहीं है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि जब भी हम ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियो अपने इस चैनल पर लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। तो वीडियो में बस इतना ही है, हमेशा की तरह अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।